उस जीत का कितना प्रभाव पड़ेगा और हरियाणा के लिए क्या प्रिडिक्ट करते हैं आप? हरियाणा तो इनका सफाया है, कांग्रेस के उस पक्ष में स्वीप होना है, करुआ तो दो जल्दी से तो चुनाव की इंतजार कर रहे हैं, लोग चुनाव की इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल सफाया है इनका। तो नेतृत्व तो कौन करेगा हरियाणा में कांग्रेस का? जो कांग्रेस फैसला करेगी, कांग्रेस की सरकार बनाना पहले हमारा काम है, और वो तो कांग्रेस का तो एक तरीका है, वहाँ यहाँ के विधायक और हाई कमांड फैसला करते हैं। एक उदय साहब, आपने कहा कि आप पांचों जगह मेयर की सीट जीत रहे हो, करनाल में अगर आप जिसको समर्थन करके आए हो वो जीतता है तो आपका दावा होगा या इनेलो का दावा होगा? क्योंकि पहले वो क्या मतलब पहले वो सपोर्ट कर चुके थे, पहले कहीं हो उन्होंने इनेलो ने कहा कि हमारे जीत रहे हैं, उनका ऐलान था कि हम उस पर सिंबल पे लड़ रहे हैं, सिंबल पे नहीं लड़ रहे, केवल यहाँ लड़ रहे हैं, केवल एक यहाँ पे सिंबल पे लड़ रहे हैं, पहले ये था हम हर जगह सिंबल पे लड़ रहे, जब सिंबल पे है ही नहीं और सिंबल पे लड़ रहे हैं, जहां से सिंबल दिया ही नहीं तो उनके कहां से उम्मीदवार होंगे भाई? एक डॉक्टर साहब ये कह गए हैं कि पिछले चार सालों में भूपेंद्र हुड्डा जी नंबर वन का झूठा प्रचार करते रहे, आज तक हरियाणा नंबर वन कभी नहीं हुआ उनके शासन का, नंबर वन प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर वन था, और अब नंबर वन क्राइम में हुआ है, इसको प्रदेश को धकेल के रख दिया इन्होंने, प्रत्यक्ष को प्रमाण ये तो सबूत है मेरे पास, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक रहा हरियाणा बड़ी स्टेटों में। तो आपके टाइम पे प्रति व्यक्ति आए कितनी थी? वो आज घोषणा कर गए हमारे यहाँ 1,92,000 प्रति व्यक्ति आए। सवाल ये है पूरे देश के बड़ी स्टेटों की था मेरे को, अब तक देख फिक्र नहीं, उस समय तो हमने छोड़ा जब प्रति व्यक्ति आय में नंबर वन था हरियाणा और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज तक मैं नहीं गया किसी के प्रचार में, कॉरपोरेशन में या कमेटी में, चीफ मिनिस्टर था जब भी नहीं गया, पार्टी सिंबल पर लड़ रही थी जब भी नहीं गया, एक बार लड़े 50 साल में सिर्फ एक जगह का, वहाँ भी नहीं गया था, समझा? प्रत्याशी को लेके कहा गया कि छवि देख कर वोट दीजिए, प्रत्याशी को लेके कहा गया सीएम ने छवि देख के वोट दीजिए, तुम्हारा प्रत्याशी तो बहुत शरीफ आदमी है। नहीं नहीं, उसने कृषि मंत्री तो नाम लिया है, सट्टेबाज सट्टेबाज का नाम लिया, सट्टेबाज है बेचारा, कभी से फुलकर है सट्टेबाज, तो सारे उतरी हो रहे भाई, सट्टेबाज तो मंत्री संतरी बन रहे हैं, इनका सब भाजपा तेज वक्फ बोर्ड की जमीन खा अजम, इनका पत्थर अजम, यमुना का रेत अजम, गरीब आदमी की दाल रोटी अजम, पॉपुलर पॉपुलर तेल भी भिजवा देंगे, पॉपुलर भी तो पॉपुलर तेल भी भिजवा देंगे, पॉपुलर को इनके इनके चारा तो वो भी अजम कर जाएंगे, कड़ा 1400 रुपए रेट था 200 रुपए भी क्या पॉपुलर का ना, हाँ फिर चाहे छोटी जात हो बड़ी जात हो, मतलब नंबरों में सब बराबर है हमारे लिए, चाहे किसी की एक वोट है चाहे किसी की कितनी वोट है, सब जातियां बराबर है हमारे लिए। अच्छा हुड्डा साहब, आज सीएम कैंपेन सबका सम्मान हमारा, नहीं आपने जो जिक्र किया था कि ड्रम बीटर पार्टी है, आज सीएम ने कहा कि हुड्डा तो लैंड लूटर हैं, उन्होंने 9.5 साल तक जो लैंड है वो कब्जाई है किसानों की और लैंड वो लूटने का काम किया, कौन सा किया भाई, ऐसे कहने झूठे बात करने का, तो झूठ का ऐसा हो तो ये करे भाई, तो जमीन जमीन लूटने का काम नहीं किया हमने, किसान को उसकी जमीन का असली रेट देने का काम किया, और 33 साल की हमने वो जो उनको दी एनुटी दी जो अभी ये नहीं दे रहे, किसान के साथ बड़ा भारी धोखा कर रही है, जो जमीन एक्वायर की थी जो ये बनाया अपना पलवल पलवल और ये केएमपी वगैरह केएमपी, इसका हमने 33 साल की एनुटी फिक्स कर रखी है जमीन के लिए, जो कि ये सरकार नहीं दे रही है, सरकार किसानों को दुकानदारों को व्यापारियों को लूटने का काम इस सरकार ने किया, बिजली कितने भाव बढ़ा दिए, कितनी लूट बचा रखी है, तभी तो आज इनकी दशा हुई हुई है। K9 मीडिया
अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।